हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट विलियम शेक्सपियर्स मोस्ट फेमस ट्रेजेडी द मैकबेथ। तो आज हम मैकबेथ जो इसकी ट्रेजेडी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसकी समरी, इसको क्रिटिकल एनालाइज करेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले अबाउट द प्ले राइट, मतलब विलियम शेक्सपियर कौन था, इसकी क्या खास बात है। विलियम शेक्सपियर वॉज रिनोम्ड इंग्लिश पोइट, प्ले राइट एंड एक्टर, बोर्न इन 1564 इन स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन। तो विलियम शेक्सपियर है वो 1564 में पैदा हुआ एक एक्टर, प्ले राइट, पोइट था, जिसका जन्म हुआ था स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन, ये जगह का नाम है। हिज बर्थडे इज मोस्ट कॉमनली सेलिब्रेटेड ऑन 23 अप्रैल, 23 अप्रैल को इनका जन्मदिन मनाया जाता है, विच इज ऑल्सो बिलीव टू बी द डेट ऑफ हिज डाइड इन 1616। मतलब 23 अप्रैल को इसका जन्म हुआ था 1564 में, और 23 अप्रैल को 1616 में इसकी डेथ हो गई थी। तो बर्थडे और इसकी डेथ डेट है वो एक ही दिन है। शेक्सपियर वॉज प्रोलिफिक राइटर, मतलब एक महत्वपूर्ण और प्रोमिनेंट राइटर है ये, ड्यूरिंग द एलिजाबेथन एंड जेकोबियन एजेज ऑफ ब्रिटिश थिएटर। ब्रिटिश थिएटर्स थे ना, जो उनकी जो एजेज है जो ब्रिटिश हिस्ट्री में अपने रखते हैं इंग्लिश लिटरेचर की, तो उसमें एलिजाबेथन और जेकोबियन पीरियड्स के दौरान जो भी थिएटर्स थे उसके अंदर एक प्रोमिनेंट राइटर था। शेक्सपियर प्लेज आर परहैप्स हिज मोस्ट एंड्यूरिंग लेगेसी। लेगेसी मतलब उसकी जो हमेशा रहने वाली विरासत है वो क्या है, वो उसके प्लेज हैं, शेक्सपियर के प्लेज हैं, इसके ड्रामास, बट दे आर नॉट ऑल ही रोट। इसका मतलब है कि शेक्सपियर ने केवल नाटक ही नहीं लिखे हैं, ड्रामा ही नहीं कंपोज किए हैं। शेक्सपियर्स पोएम्स ऑल्सो रिमेन पॉपुलर टू दिस डे। आज के दिन शेक्सपियर के जो पोएम्स है वो भी पॉपुलर हैं। लगभग 140 सोनेट्स हैं शेक्सपियर ने कंपोज किए हैं। सोनेट्स फ्रेंड्स एक ऐसी पोएम जो 14 याम्बिक पेंटामीटर लाइन्स की हो, ठीक है, जिसमें मीटर का यूज किया गया हो, और 14 लाइन्स की एक शॉर्ट पोइम हो, और वो सोनेट्स हैं। इंग्लिश सोनेट भी हो सकते हैं, पेट्रार्कन भी हो सकते हैं, मिल्टोनिक भी हो सकते हैं, स्पेंसरिन भी हो सकते हैं। तो इस टाइप के 4-5 टाइप के सोनेट्स होते हैं, वो आप कभी वीडियो में बनाऊंगा उसमें देख लेना। विलियम शेक्सपियर इज वाइडली कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट ऑफ ऑल टाइम्स। विलियम शेक्सपियर उनका एक मोटे तौर पर ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट माना जाता है, एज वेल एज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल राइटर इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज के हिस्ट्री में इसको सबसे ज़्यादा प्रभावशाली राइटर माना जाता है। सबसे बड़ा कारण ये था, ड्रामेटिस्ट क्यों माना जाता था ग्रेटेस्ट, क्योंकि इसने जो ह्यूमन नेचर को अपनी ट्रेजडीज और कॉमेडीज में जो ह्यूमन नेचर को डिपिक्ट किया है ना, वो कोई भी नहीं कर सका। तो इसकी वजह से इसकी जो ग्रेटनेस है वो और ज्यादा है। अब शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन टू द प्ले, मतलब ये प्ले है वो मैकबेथ है वो क्या है। शेक्सपियर शॉर्टेस्ट, सबसे छोटी, एंड ब्लडीएस्ट, मतलब सबसे ज्यादा जिसमें रक्तपात है, ट्रेजेडी मैकबेथ है। टेल्स द स्टोरी ऑफ ए ब्रेव स्कॉटिश जनरल मैकबेथ। ट्रेजेडी का मतलब ऐसा प्ले जिसका एंड है वो हैप्पी नहीं होता, ठीक है, वो ब्लड शेड और दूसरी जो टेरिबल इवेंट्स होती है वो सारी अकर्ड करती है उसमें, लास्ट में इवेंट्स सारी आती है, तो इसकी वजह से वो ट्रेजेडी है। और कॉमेडी इसका अपोजिट है। कॉमेडी में क्या होता है कि एंडिंग हैप्पी होती है कॉमेडी की, और उसमें मैरिज होती है, लगभग मैरिज सेट हो जाती है जैसे फिल्मों में होता है उसी टाइप से। स्कॉटिश जनरल कौन है, मैकबेथ है, हमें उसी की स्टोरी बताता है। मैकबेथ इसका सेंट्रल करेक्टर, हु रिसीव्स ए प्रोफेसी, जिसको एक भविष्यवाणी बताई जाती है, फ्रॉम ए ट्राई ऑफ सिनिस्टर विचेज। सिनिस्टर विचेज मतलब भयानक चुड़ैलें, सिनिस्टर मीन्स भयानक और विचेज मीन्स चुड़ैलें, ट्रायो मीन्स तिकड़ी, तीन ट्रायो मतलब तीन, तीन चुड़ैलों के द्वारा उसको एक भविष्यवाणी दी जाती है दैट वन डे ही विल बिकम किंग ऑफ स्कॉटलैंड। उसको ये बताया जाता है उन चुड़ैलों के द्वारा कि आप एक दिन किंग ऑफ स्कॉटलैंड बनेंगे। कंज्यूम्ड विद एम्बिशियस थॉट्स, इस प्रकार की थॉट से प्रेरित होकर, एम्बिशियस मतलब महत्वाकांक्षी थॉट से प्रेरित होकर, एंड स्पूर्ड
स्पूर्ड है टू एक्शन बाय हिज वाइफ है, और अपनी पत्नी को जब वो जाकर बताता है तो उसके बाद में उसकी पत्नी भी उसको इंटाइस करती है, इंस्टिगेट करती है, प्रेरित करती है कि आप मैकबेथ मर्डर्स किंग डंकन एंड सीजर्स द थ्रोन फॉर हिमसेल्फ है। मैकबेथ अपनी पत्नी के द्वारा इंटाइस करना, प्रेरित करना और ऐसे विचारों से ओतप्रोत होकर है, वो क्या कर देता है, किंग का मर्डर कर देता है डंकन का, और थ्रोन पे मतलब उस सिंहासन पे खुद काबिज हो जाता है। ही बिगेन्स हिज रेन रैक्ड विद गिल्ट फियर। अब वो अपना जो साम्राज्य है वो भय डर इन चीजों से शुरू करता है। सून बिकम्स ए टायरेनिकल रूलर, और एक टायरेनिकल रूलर मतलब अत्याचारी शासक बन जाता है, टायरेनिकल अत्याचारी और रूलर शासक बन जाता है। एज ही इज फोर्स टू कमिट मोर एंड मोर मर्डर्स है, क्योंकि उसको अपने पावर को सस्टेन करने के लिए मोर एंड मोर मर्डर्स करने पड़ते हैं, क्योंकि कोई रेबिल न करे, कोई विद्रोह न करे, तो इसलिए वो क्या करता है, एक के बाद एक खून करवाता जाता है। टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम एनमिटी एंड सस्पिशन, अपने आप को शत्रुता से और संदेह से बचाए रखे भी मैंने कोई गलत काम नहीं किया। द ब्लड बाथ स्विफ्टली प्रोपेल्स मैकबेथ। अब जो ब्लड बाथ है वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ता है, और मैकबेथ एंड लेडी मैकबेथ टू एरोगेंस है, उनकी जो हठधर्मिता है उसको और बढ़ा देता है। प्रोपेल्स मतलब बढ़ा देना, स्विफ्टली मतलब तेजी से, मैडनेस एंड डेथ, और लास्ट में अब लेडी मैकबेथ की डेथ भी हो जाती है, उससे पहले वो अपने आप को मार देती है मैडनेस में, और डेथ है तो दोनों की हो जाती है, मैकबेथ की और इसकी दोनों की। मैकबेथ वाज मोस्ट लाइकली रिटन इन 1606, 1606 के आसपास मैकबेथ की कंपोजिशन हुई थी। अर्ली इन द रेन ऑफ जेम्स फर्स्ट, जेम्स फर्स्ट वहां का राजा था, रेन मतलब सिंह राज्यकाल, तो उसके राज्यकाल में इसकी कंपोजिशन हुई थी। जेम्स वाज ए पेट्रॉन ऑफ शेक्सपियर्स एक्टिंग कंपनी, शेक्सपियर की जो एक्टिंग कंपनी थी उसका पेट्रॉन था, संरक्षक था वो। मैकबेथ मोस्ट क्लियरली रिफ्लेक्ट्स द प्ले राइट्स क्लोज रिलेशनशिप विद द सॉवरेन, मतलब स्कॉटलैंड की संप्रभुता के साथ उसकी देशभक्ति हमें झलकती है इस नाटक में, इस प्ले में, तो ये उसकी एक क्लोज रिफ्लेक्ट है, ठीक है, क्लियरली रिफ्लेक्ट होते हैं। मैकबेथ इज नॉट शेक्सपियर्स मोस्ट कॉम्प्लेक्स प्ले, मैकबेथ शेक्सपियर का सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्ले नहीं है, बट इट इज सर्टनली वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड इमोशनल प्ले, और ये सबसे ज्यादा पावरफुल और इमोशनल प्ले भी है। मैकबेथ टम्बल्स मैडली फ्रॉम इट्स ओपनिंग टू इट्स कंक्लूजन, मैकबेथ वो क्या करता है, लड़खड़ाता हुआ ही चलता है, मैड हो जाता है ओपनिंग से लेके कंक्लूजन तक, और लास्ट में वो अपने डेथ को प्राप्त कर लेता है। अब जान लेते हैं इसके करेक्टर्स कौन से हैं। तो करेक्टर्स में सबसे पहले है मैकबेथ, तो मैकबेथ इसका हमें हीरो बताया जाता है, लेकिन हीरो नहीं है वास्तव में ये, क्योंकि ये अच्छे बैड करेक्टर है, जो है इसको माने अपने एंटेगोनिस्ट। मैकबेथ इज ए स्कॉटिश जनरल एंड द थाने ऑफ ग्लेमिस, ग्लेमिस एक जगह का नाम है, और थाने मतलब है जो रॉयल पोस्ट होती है, जैसे अपने रईस होते हैं ना, जो उस टाइप की पोस्ट है वो स्कॉटिश आर्मी में, जैसे रॉयल पोस्ट होती है उसको बोलते हैं। हु इज लेड टू विक्ड थॉट्स बाय द प्रोफेसीज ऑफ थ्री विचेज, जिसको वो विक्ड थॉट है जो घटिया विचार हैं, किनके, उन थ्री विचेज के, उनमें वो पड़ जाता है, एंड स्पेशली आफ्टर देयर प्रोफेसी दैट ही विल बी मेड थाने ऑफ काउडोर कम्स ट्रू, और जब वो विचेज उसको कहती है एक प्रोफेसी करने के बाद में कि तुझे जाते ही थाने ऑफ काउडोर बना दिया जाएगा, क्योंकि वो जंग जीत के आए हैं। मैकबेथ इज ए ब्रेव सोल्जर एंड ए पावरफुल मैन, बट ही इज नॉट ए वर्चुअस वन, मैकबेथ एक ब्रेव पर्सन है जो सोल्जर है और पावरफुल भी है, लेकिन वो एक वर्चुअल पर्सन नहीं, वर्चुअस नहीं है, मतलब गुणी, जिसको कह सके भला आदमी नहीं है वो। इसके बाद में लेडी मैकबेथ की बात करें, तो लेडी मैकबेथ मैकबेथ की वाइफ थी, इज ए डीपली एम्बिशियस वुमेन, वो बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी लेडी है, हु लस्ट फॉर पावर एंड पोजिशन, जिसको पोजिशन और पावर की बड़ी भूख थी। अर्ली इन द प्ले, शुरू के दिन में, शुरू में हम जब इस प्ले में देखते हैं, शी सीम्स टू बी द स्ट्रोंगर एंड मोर रथलेस ऑफ द टू,
हमें पता लगता है कि वो ज्यादा निर्दयी है और स्ट्रोंगर है। किससे? एस यर्जेस हस्बैंड टू किल डंकन एंड सीज द क्राउन। जब हमें पता लगता है कि वो अपने हस्बैंड को प्रेरित करती है, उससे निवेदन करके बोलती है, आग्रह करती है उससे कि आप डंकन को मारो और क्राउन पे सीज कर लो, उस पे हम कब्जा कर लो। आफ्टर द ब्लड शेड बिगिन, जब खून खराबा शुरू हो जाता है, रक्तपात, लेडी मैकबेथ फॉल्स विक्टिम टू गिल्ट एंड मैडनेस। अब उसको अपने अपराध का बोध होता है, ठीक है, एंड मैडनेस टू एन इवन ग्रेटर डिग्री देन हर हस्बैंड है। और पागलपन उसका यहाँ तक पहुंच जाता है कि अपने हस्बैंड से भी ज्यादा वो अंधी हो जाती है पावर में। थ्री विचेज हैं, इसकी जान लेते हैं कि थ्री विचेज कौन थी। थ्री ब्लैक मिडनाइट हैग्स, हैग्स मीन्स विचेज, ये तो वो काली आधी रात वाली जो विचेज है, हु प्लॉट मिसचीफ, जो ये शरारत शुरू करती है, मिसचीफ मतलब जो ये इवेंट शुरू करती है अगेंस्ट मैकबेथ यूजिंग चार्म्स स्पेल्स एंड प्रोफेसीज। तीन हथियार यूज करती है, चार्म स्पेल एंड प्रोफेसीज। देर प्रेडिक्शन से प्रॉम्प्ट हिम टू, अब उन लोगों का, उन विचेज का जो प्रेडिक्शन है, वो इसको प्रेरित करता है हिम टू मर्डर डंकन, डंकन की कत्ल करने में, टू ऑर्डर द डेथ्स ऑफ बंकन बैंको एंड हिज सन, एंड टू ब्लाइंडली बिलीव इन हिज ओवन इमोर्टलिटी। और वो इसकी वजह से ही बैंको का कत्ल कर देता है और उसके सन का भी, और ब्लाइंडली उसका बिलीव है ना, जो फेथ है, बिलीफ है उन विचेस पे, वो क्या है, उसको ये मानने में मजबूर कर देता है कि वो इमोर्टल है, उसकी डेथ नहीं होगी, आगे जाने की क्यों नहीं होगी, ऐसा क्यों कहा गया है। बैंको द ब्रेव नोबल जनरल हुज चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू द विचेस प्रोफेसी, एक ऐसा ब्रेव जनरल था ये भी, जैसे ये मैकबेथ था, तो इसके बच्चे हैं ना, अकॉर्डिंग टू विचेस प्रोफेसी विल इनहेरिट द स्कॉटिश थ्रोन, इसके बच्चे स्कॉटिश थ्रोन को प्राप्त करेंगे आगे जाके। लाइक मैकबेथ, बैंको थिंक्स एम्बिशियस थॉट्स, मैकबेथ के जैसा ही बैंको भी वह सोचता है, क्योंकि जब वो युद्ध हुआ था ना, जिस युद्ध से वो लौटे थे, हम आगे जिक्र करेंगे वो कौन से युद्ध थे, तो बैंको और मैकबेथ दोनों साथ आए थे, तो दोनों को ही विचेज मिली थी, बट इट डज नॉट ट्रांसलेट दो थॉट्स इनटू एक्शन। अब वो बताया तो मैकबेथ और बैंको दोनों को था, लेकिन बैंको एक ऐसा व्यक्ति नहीं था, उसने अपने जो थॉट्स ना उनको ट्रांसलेट नहीं किया एक्शन में, जैसा कि मैकबेथ ने किया। किंग डंकन इज अ गुड किंग ऑफ स्कॉटलैंड हुम मैकबेथ इन हिज एम्बिशन फॉर द क्राउन मर्डर्स, उसको मार देते हैं। डंकन इज द मॉडल ऑफ ए वर्चुअस बेनवोलेंट एंड फार साइटेड रूलर, मतलब एक भला आदमी है, परोपकारी है और दूरदर्शिता वाला शासक है। हिज डेथ सिंबलाइज द डिस्ट्रक्शन ऑफ एन ऑर्डर इन स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड में एक व्यवस्था का ढह जाना उसकी डेथ का प्रतीक है। मैकडफ ए स्कॉटिश नोबल मैन होस्टाइल टू मैकबेथ से किंगशिप फ्रॉम द स्टार्ट है, तो ये क्या है, इसका विरोधी था, होस्टाइल मीन्स विरोधी होना, मैकबेथ का विरोधी था शुरू से ही, स्कॉटिश नोबल मैन था ये। ही इवेंचुअली बिकम्स ए लीडर टू द क्रूसेड ऑफ अनसीट मैकबेथ, अनसीट मतलब सीट प्लस अन, तो उसको बेदखल करना, सीट से उतारने के लिए, एक क्रूसेड मतलब एक युद्ध छिड़ा था, उसका लीडर बन गया था कौन, ये ही मैकडफ। नेक्स्ट है मेलकॉम द सन ऑफ डंकन, ये डंकन का लीगल सन था, हुज रेस्टोरेशन टू द थ्रोन सिग्नल स्कॉटलैंड्स रिटर्न टू ऑर्डर फॉलोइंग मैकबेथ्स डेथ, मैकबेथ्स रेन ऑफ टेरर। अब क्या है कि मैकबेथ के जो टेरर है उसका अंत होने के बाद में, जो स्कॉटलैंड के ऊपर शासन करना था मेलकॉम ने, तो वो रेस्टोरेशन का प्रतीक था। अब जान लेते हैं इस प्ले की समरी डिटेल में कि क्या है इसकी समरी। द प्ले बिगिंस विद द ब्रीफ अपीयरेंस ऑफ ट्रायो विचेस, तीन विचेस हमें दिखाई देती है प्ले में, एंड देन मूव्स टू ए मिलिट्री कैंप, और बाद में मिलिट्री कैंप की तरफ हमें प्ले ले चलता है, वेयर द स्कॉटिश किंग डंकन हियर्स द न्यूज दैट हिज जनरल्स मैकबेथ एंड बैंको, उसके दो जनरल हैं कौन कौन से, मैकबेथ और बैंको, हैव डिफीटेड टू सेपरेट इन्वेडिंग आर्मीज, दो तरह से, जो दोनों तरीकों से अलग अलग जो आक्रमण किए जा रहे थे, इन्वेडिंग मतलब आक्रमण, उनको हरा दिया है, डिफीट कर दिया है, कौन सा, वन फ्रॉम आयरलैंड है एंड सेकंड फ्रॉम नॉर्वे।
तो आयरलैंड लेड बाय द रेबल मैकडोनाल्ड, मैकडोनाल्ड नाम का कोई व्यक्ति था जो कि आयरलैंड के था, और उसको भी हराया उन्होंने, नॉर्वे को हराया। फॉलोइंग देयर पिच्ड बैटल, पिच्ड बैटल मतलब वो जो घोर युद्ध चला था ना, उस युद्ध की बात हो रही है। तो उस युद्ध में विद दीज एनिमी फोर्सेस मैकबेथ एंड बैंको इनकाउंटर द विचेस। इन युद्ध के बाद में मैकबेथ इन घोर युद्ध के बाद में मैकबेथ और बैंको इनकाउंटर करते हैं विचेस, उनको विचेस मिलती है रास्ते में। एज दे क्रॉस सेमो, जैसे वो एक सुनसान एरिया या दलदल एरिया या रेगिस्तान एरिया वहां से गुजरते हैं, तो उनको विचेस मिलती है। द विचेज प्रोफेसी, विचेज ये भविष्यवाणी करती है दैट मैकबेथ विल बी मेड थाने ए रैंक ऑफ स्कॉटिश नोबिलिटी। तो उनकी रॉयल्टी में या नोबिलिटी में एक रैंक था जो बनाया जाएगा, उसको थाने बनाया जाएगा, ठीक है, ऑफ काउडर एंड इवेंचुअली किंग ऑफ स्कॉटलैंड, और बाद में वो किंग ऑफ स्कॉटलैंड भी बनेगा। दे ऑल्सो प्रोफेसी दैट मैकबेथ्स कंपेनियन बैंको विल बी गेट ए लाइन ऑफ स्कॉटिश किंग्स। अब आगे वो ये भी भविष्यवाणी करती है कि मैकबेथ का जो कंपेनियन है साथी बैंको, क्योंकि वो उस वक्त साथ था उसके युद्ध करने के बाद में, तो वो भी बिगेट करेगा, मतलब उसको भी कोई ना कोई उस पंक्ति में उस लाइन में पोस्ट प्राप्त होगी। पोस्ट मतलब यहाँ पे कोई ओहदा प्राप्त होगा स्कॉटिश किंग्स में। ऑल्दो बैंको विल नेवर बी किंग हिमसेल्फ, यद्यपि बैंको कभी शासक नहीं बन पाएगा। विचेज वैनिश, विचेज उसके बाद में गायब हो जाती हैं, एंड मैकबेथ एंड बैंको ट्रीट देयर प्रोफेसी सेप्टिकली अंटिल सम ऑफ किंग डंकन्स मैन कम टू थैंक द टू जनरल्स फॉर देयर विक्ट्रीज इन बैटल एंड टू टेल। इस लाइन का पूरा मतलब ये है कि विचेज के वैनिश होने के बाद में मैकबेथ और बैंको दोनों को जो भविष्यवाणी है वो सेप्टिक लगती है, मतलब संदेह लगता है। इसके बाद में क्या होता है कि किंग के आदमी वहां पे आते हैं, उनको थैंक यू बोलते हैं कि आप जीत गए हैं, और इन दोनों को उस विक्ट्रीज की बधाई देते हैं। बधाई देने के बाद में वो बताते हैं मैकबेथ दैट ही हैज इंडीड बीन नेम्ड थाने ऑफ काउडर। अब उनको बताया जाता है कि आपको थाने ऑफ काउडर बनाया गया है, एक स्कॉटिश रैंक दी गई है। द प्रीवियस थाने बेटरेड स्कॉटलैंड बाय फाइटिंग फॉर द नॉर्वेजियंस एंड डंकन हैज कंडेम्ड हिम टू डेथ। अब डंकन ने उसको तो प्रीवियस जो थाने था ना उसको डेथ सेंटेंस दे दिया, मृत्युदंड दे दिया, और आपको उसकी जगह पे इसकी पदवी दी गई है। अब उसको विश्वास होता है, मैकबेथ इज इंट्रीग्ड बाय द पॉसिबिलिटी दैट द रिमाइंडर ऑफ द विच प्रोफेसी। अब उसको वो याद आते हैं कि उसने घोषणा की थी कि आपको वो बनाया जाएगा और उसके बाद में किंग बनोगे आप, तो उसको थोड़ा सा विश्वास हो जाता है दैट ही विल बी क्राउन क्राउंड किंग। अब उसको बाद में माइट बी ट्रू, अब उसको ये लगता है कि ये सच हो सकता है क्योंकि हमारी एक भविष्यवाणी सच हो गई है फर्स्ट। बट ही इज अनसर्टन व्हाट टू एक्सपेक्ट, लेकिन उसको पक्का ये विश्वास नहीं था, निश्चित नहीं था वो। ही विजिट्स विद किंग डंकन, अब वो किंग डंकन के पास जाता है एंड दे प्लान टू डाइन टुगेदर, और वो खाना खाने का प्लान बनाते हैं कि आज शाम हमारे यहाँ डिनर करना एट इनरनेस, इनवरनेस एक जगह का नाम है जहाँ पे डिनर करते हैं, मैकबेथ कास्टल में, मैकबेथ के कास्टल में, उसके किले में मैकबेथ के। दैट नाइट मैकबेथ राइड्स अहेड टू हिज वाइफ लेडी मैकबेथ। लेडी मैकबेथ को वो बताता है या लिखता है अपनी पत्नी को सारी बातें, टेलिंग हर ऑल दैट हैज हैपेंड, जो कुछ भी उन विचेज के साथ घटित हुआ था या उससे पहले उस बैटल में हुआ था वो सारी बताते हैं। और बताने के बाद में सी डिजायर्स द किंगशिप फ्रॉम हिम फॉर हिम, अब उसकी इच्छाएं जाग जाती है और वो कहती है कि तुम्हें तो राजा बनना ही है, एंड वॉन्ट्स हिम टू मर्डर डंकन इन ऑर्डर टू ऑब्टेन इट। अब वो इतनी हिम्मत कर देती है, कह देती है उसको कि तुम राजा का कत्ल कर दो इन ऑर्डर टू ऑब्टेन इट, तुम उसको प्राप्त कर लो शासन शासन को। वेन मैकबेथ अराइव सेट इनवरनेस, अब वो उस जगह पे आता है इनवरनेस अपने महल में, सी ओवर राइड्स ऑल हर हस्बैंड्स ऑब्जेक्शंस एंड परस्यूड्स हिम टू किल द किंग दैट वेरी नाइट। पहले तो उसने लेटर लिखा था, लेकिन अब वो जब अपने घर में आता है ना तो उसकी वाइफ उसके सारे विचारों को काट देती है, ऑब्जेक्शन को हटा देती है और उसको परस्यूड करती है, उसको मना लेती है कि तुम किंग को किल करो आज ही रात, इसी रात को डिनर पे। ही एंड लेडी मैकबेथ प्लान टू गेट डंकन्स टू चैम्बरलेन्स। चैम्बरलेन्स क्या होते हैं, ये ऑफिसर हुआ करते थे उस जमाने में, कौन से, सिक्योरिटी के, जो राजाओं के शाही
शाही ऑफिसर्स होते थे ना वो थे ये। तो दो चैम्बरलैन मीन्स रूम और लैंस मीन्स ऑफिसर, ड्रंक सो दे विल ब्लैक आउट। अब क्या है कि दो चैम्बरलैन थे टू, उनको ज्यादा शराब पीने की वजह से अंधेरा छा जाएगा। द नेक्स्ट मॉर्निंग दे विल ब्लेम द मर्डर ऑन द चैम्बरलैन। अब अगले दिन जब सुबह होगी तो हम ब्लेम उन पे लगा देंगे मर्डर का, उन चैम्बरलैन पे। वो विल बी डिफेंसलेस है और वो निस्सहाय होंगे। एज दे विल रिमेम्बर नथिंग, क्योंकि उनको शराब पीने की वजह से कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो इसमें आगे देखते हैं, वाइल डंकन इज अस्लीप, जब डंकन सो रहा था ना खाना खाने के बाद में, मैकबेथ स्टब्स हिम, उसको छुरा मार देता है। व्हेन डंकन्स डेथ इज डिस्कवर्ड नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन जब उसकी मृत्यु का पता चलता है, मैकबेथ किल्स द चैम्बरलैन्स आउट ऑफ रेज एट देयर क्राइम एंड इजिली अज्यूम्स द किंगशिप। मैकबेथ गुस्से में उन दोनों को मार देता है उस क्राइम के लिए, और आसानी से वो शासन ग्रहण कर लेता है, उस पर कब्जा कर लेता है। डंकन सन्स मेलकॉम एंड डोनाल्ड बेन, मेलकॉम और डोनाल्ड बेन दोनों उसके बेटे थे डंकन के, फ्ली टू इंग्लैंड एंड आयरलैंड रिस्पेक्टिवली। पहले वो इंग्लैंड भागते हैं और फिर इंग्लैंड के बाद में वो आयरलैंड भागते हैं, क्योंकि उनको डर था, फियरिंग दैट हूएवर किल्ड डंकन, जिसने भी डंकन को मारा है, डिजायर्स देयर डिमाइज, उनकी मौत भी वो चाहता है। डिमाइज मीन्स मौत है, तो उनकी मौत भी वो चाहता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, फियरफुल ऑफ द विचेज प्रोफेसी दैट बैंक्वेट्स हेयर्स विल सीज द थ्रोन। अब मैकबेथ को इस बात का डर था क्योंकि उन विचेज ने ये भी घोषणा की थी कि जो बैंको है उसके हेयर्स हैं, जो उसके जो बच्चे हैं, उसके जो उत्तराधिकारी हैं, वो इस थ्रोन पे कब्जा कर सकते हैं। इस बात का मैकबेथ को पूरा डर था। मैकबेथ हायर्स ए ग्रुप ऑफ मर्डर्स, उसने हथियारों का पूरा एक ग्रुप किराए पे बनाया टू किल बैंको एंड हिज सन फ्लिंस, उसको बैंको को और उसके पुत्र स्लिंस फ्लिंस को मारने के लिए। दे एम्ब्यूज मैको बैंको ऑन हिज वे टू द रॉयल फिस्ट। अब जो शाही भोज पे आ रहा था बैंको, तो उसको रास्ते में घात लगा के, एम्ब्यूज मीन्स घात लगा के मार दिया। बट दे फेल टू किल फ्लिंस, लेकिन ये जो मर्डर का ग्रुप था ना, ये फेल हो जाता है उसको मारने में, किसको, फ्लिंस को। और फ्लिंस कौन था, बैंको का लड़का, हु एस्केप्स इनटू द नाइट, और ये क्या करता है, रात के अंधेरे में बच निकलता है। मैकबेथ बिकम्स फ्यूरियस, वो ज्यादा गुस्से में रहता है। एज लॉन्ग एज फ्लिंस इज अलाइव ही फियर्स दैट इज पावर रिमेन्स इनसिक्योर, जब तक कि फ्लिंस जीवित है उसकी पूरी पावर है वो इनसिक्योर है, क्योंकि वो कभी भी उत्तराधिकारी बन सकता है। एट द फीस्ट दैट नाइट, उसी रात को जब वो शाही भोज था, बैंको इज गोस्ट विजिट्स मैकबेथ, मैकबेथ के उस महल में, कासल में, बैंको का घोस्ट आता है, भूत आता है उसका। व्हेन ही सीज द घोस्ट, जब वो भूत देखता है, मैकबेथ रेव्स फियरफुली, मैकबेथ बड़बड़ाना शुरू कर देता है, रेव मीन्स बड़बड़ाना, अपने मुंह से पुरानी बातों को रिपीट करने लगता है। और स्टार्टलिंग हिज गेस्ट, अपने गेस्ट को चौंका देता है वो बड़बड़ा कर, हु इंक्लूड मोस्ट ऑफ द ग्रेट स्कॉटिश नोबिलिटी। अब उसमें क्या था, उस गेस्ट में जो ग्रेट स्कॉटिश नोबिलिटी थी, वो सारे लोग उसमें थे, सामंत वगैरह थे उसके। लेडी मैकबेथ ट्राइज टू न्यूट्रलाइज द डैमेज, उसकी बातों से, मैकबेथ जो मैडनेस में भूत को देखने के बाद में पागल सा हो गया था, उसकी बातों से कुछ कुछ इन स्कॉटिश नोबिलिटीज को एहसास हो गया था भी कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है, राजा ऐसे नहीं मरा। तो ये उसकी लेडी मैकबेथ है, उसकी इन बातों को न्यूट्रलाइज करने की, मतलब डैमेज कंट्रोल करना चाहते थे। बट मैकबेथ से किनशिप पे इंसाइट्स इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस फ्रॉम हिज नोबल्स एंड सब्जेक्ट्स, नोबल्स मीन्स उसके शासक काल, शासन में, उसके राज्य में जो रईस लोग थे या सामंत लोग थे, लॉर्ड्स थे वो थे, और सब्जेक्ट्स मतलब जनता। तो जनता और नोबल, सब्जेक्ट्स एंड नोबल्स थे, उनका जो इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस है वो मैकबेथ को और ज्यादा इंसाइट करता है, मतलब प्रेरित करता है और ज्यादा उग्र होने के लिए। फ्राइटन्ड इस बात से डरता हुआ मैकबेथ गोज टू विजिट द विचेज इन द कावर्न, उसकी कावर्न मतलब उनकी गुफाओं में जाता है उन विचेज की। मैकबेथ इन बातों से डरते हुए कि क्या हो रहा है, देयर दे शो हिम ए सिक्वेंस ऑफ डेमोन्स एंड स्पिरिट्स, प्रेतात्माओं का और राक्षसों का पूरा एक सिक्वेंस दिखाते हैं, किसको, हिम मतलब मैकबेथ को, हु प्रेजेंट हिम
विद फर्दर प्रोफेसिज, और बाद में वो स्प्रिट्स है ना उसको एक और प्रोफेसी देते हैं, वो बोलते हैं उसको ही मस्ट बीवेयर ऑफ मैकडफ है, तुम्हें मैकडफ से डरना है। स्कॉटिश नोबलमैन हु अपोज्ड मैकबेथ से एक्सेशन टू द थ्रोन, जिसने मैकबेथ का सिंहासन पे चढ़ने को उसके मतलब राज्य रोहन को अपोज किया था, विरोध किया था उसका। ही इज इनकेपेबल ऑफ बीइंग हार्म्ड बाय एनी मैन बोर्न ऑफ वुमेन, ही मीन्स मैकबेथ है, मैकबेथ है ना वो किसी से भी घायल नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि बोर्न बाय एनी मैन बोर्न ऑफ वुमेन, मतलब किसी भी लेडी से पैदा होने वाले व्यक्ति से उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो इनकेपेबल है, मतलब ऐसा उसके ऊपर कोई नुकसान नहीं होगा, अगर किसी व्यक्ति ने औरत से जन्म लिया है तो उसको कोई डरने की बात नहीं है। एंड ही विल बी सेफ अंटिल बिरनम वुड है जो जंगल है वहां के, कम्स टू डनसिनेन कासल, जब तक डनसिनेन कासल है ना उस तक बिरनम वुड चल के नहीं आ जाता। तो ये दो कंडीशन बताई थी, एक ये कि कोई भी व्यक्ति जो महिला से पैदा हुआ है वो उसको मार नहीं सकता, और दूसरी कंडीशन ये थी कि जब तक विरनम वुड है वो कासल तक नहीं आएगी डनसिनेन के, तब तक उसको डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये दो कंडीशन उसको पता लगने के बाद में वो निश्चित हो जाता है, और वो सोचता है कि मैं अब सेफ हो गया हूँ। मैकबेथ इज रिलीव्ड, उसका भार उतर जाता है मन से, एंड फील सिक्योर, उसको सिक्योर महसूस होता है, बिकॉज ही नोज दैट ऑल मैन आर बोर्न ऑफ वुमेन, क्योंकि उसको पता लगता है, वो जानता भी है कि सारे लोग है वो वुमेन से पैदा होते हैं, एंड दैट फॉरेस्ट कैन नॉट मूव, और जंगल कभी चल नहीं सकते। व्हेन ही लर्न्स दैट मैकडफ हैज फ्लेड टू इंग्लैंड टू ज्वाइन मेलकॉल्म, उसको बाद में पता लगता है कि मैकडफ है वो फ्लेड कर गया, भाग गया इंग्लैंड को मेलकॉम को ज्वाइन करने के लिए। मैकबेथ ऑर्डर्स दैट मैकडफ्स कासल बी सीज्ड, उसने आदेश दिए कि उसके कासल को, किले को कब्जे में लिया जाए, एंड मोस्ट क्रूअली लेडी मैकडफ एंड हर चिल्ड्रन बी मर्डर्ड, और मार दिया जाए उसके वाइफ को और उसके बच्चों को, और होता भी यही है। व्हेन न्यूज ऑफ हिज फैमिलीज एग्जीक्यूशन रीचेज मैकडफ इन इंग्लैंड, जब इंग्लैंड में मैकडफ को उसकी वाइफ और उसके बच्चों को फैमिली को मारने का पता लगता है, ही स्ट्राइकन विद ग्रीफ, वो दुख से भर जाता है, एंड वो रिवेंज, और शपथ लेता है बदले की। प्रिंस मेलकॉम डंकनसन हैज सक्सीडेड इन रेजिंग एन आर्मी इन इंग्लैंड, अब जो डंकन का पुत्र था प्रिंस मेलकॉम, वो सक्सीड हो जाता है एक आर्मी खड़ी करने में इंग्लैंड में, एंड मैकडफ जॉइंस हिम, और मैकडफ उसका सहयोग देते हैं। एज ही राइड्स टू स्कॉटलैंड टू चैलेंज मैकबेथ फोर्सेज, जैसे ही वो स्कॉटलैंड की तरफ चढ़ाई करते हैं उसको चैलेंज करने के लिए मैकबेथ की फोर्सेस को, द इन्वेजन हैज द सपोर्ट ऑफ द स्कॉटिश नोबल्स, अब स्कॉटलैंड के जो नोबल्स थे उनका सपोर्ट था इस आक्रमण को, हु आर अपेल्ड एंड फ्राइटेंड बाय, जो कि डरे हुए थे और भयभीत थे, किससे? मैकबेथ टायरनिकल एंड मर्डियस बिहेवियर, उसका जो अत्याचारी और आतताई नेचर था ना उससे। लेडी मैकबेथ मीन वाइल बिकम्स प्लेग्ड विद फिट्स ऑफ स्लीप वॉकिंग, इन विच शी बिमोन्स व्हाट शी बिलीव्स टू बी ब्लड स्टेन्स ऑन हर हैंड्स, अब बात करते हैं लेडी मैकबेथ की, तो वो क्या करती है इस दौरान, प्लेग्ड विद फिट्स ऑफ स्लीप वॉकिंग, उसको नींद में चलने के दौरे पड़ने लगे, इन विच शी बिमोन्स, उसमें वो दुख मनाती थी इस बात का, बार बार विलाप करती थी, जैसे उसके हाथ है वो खून से रंगे हो, ब्लड स्टेन्स ऑन हर हैंड्स है, मतलब उसके हाथ खून से सने हो। बिफोर मैकबेथ्स अपोनेंट्स अराइव, मैकबेथ के जो अपोनेंट्स थे मैकडफ और मेलकॉल्म, ये दोनों आए, मैकबेथ रिसीव्स न्यूज, मैकबेथ को एक न्यूज पता लगता है दैट सी किल्ड हरसेल्फ, उसकी पत्नी ने लेडी मैकबेथ ने अपने आप को मार लिया है, कॉजिंग हिम टू सिंक इन टू ए डीप एंड पेसिमिस्टिक डिस्पियर, अब इससे क्या होता है कि जो मैकबेथ है वो और ज्यादा डूब जाता है, किसमें? डीप एंड पेसिमिस्टिक डिस्पियर, घोर निराशा में और नेगेटिविटी में खो जाता है। नेवर द लेस ही अवेट्स द इंग्लिश एंड फोर्टिफाइज डनसिनेन, फिर भी वो क्या करता है, उनका इंतजार करता है अपने अपोनेंट का, कौन है अपोनेंट है, मैकडफ और मेलकॉलम, और अपने किले को
चौकसी कर देते हैं, पूरी सुरक्षा बढ़ा देते हैं, टू विच ही सीम्स टू हैव विथड्रॉ इन ऑर्डर टू डिफेंड हिमसेल्फ। बाद में क्या करता है, अपने आप को बचाने के लिए अपने किले में वो उसको विड्रॉ कर लेता है, उस सिक्योरिटी को, सर्टन दैट द विचेज प्रोफेसीज गारंटी इज इनविंसिबिलिटी। इस बात से सुरक्षित निश्चित होकर कि विचेज की जो प्रोफेसी थी, उसकी जो भविष्यवाणी थी, वो एक प्रकार से गारंटी है उसकी अजेयता की, मतलब वो कभी हार ही नहीं सकता। ही स्ट्रक डम विद फियर वेन ही लर्न्स दैट द इंग्लिश आर्मी इज एडवांसिंग ऑन डनसिन अनशील्डेड विद बाइज कट फ्रॉम बिरनम वुड। वो हक्का बक्का रह जाता है जब उसको पता लगता है, चौंक जाता है, हैरान हो जाता है जब उसको पता लगता है कि इंग्लिश आर्मी है ना, वो उस डनसिनान शील्डेड लेके आ रही है, मतलब बिरनम वुड की जो टहनियां हैं वो काट काट के उसको शील्ड बना के आगे बढ़ रही है, ताकि किसी को पता ना लगे, छुपते छुपते आ रहे वो। बिरनम वुड इज इंडीड कमिंग टू डनसिनान। इस प्रकार बिरनम वुड थे वो वास्तव में धीरे धीरे करके बढ़ रहे थे किसको, डनसिनान की तरफ है। फुलफिलिंग हाफ ऑफ द विचेज प्रोफेसी, इससे हमें पता लगता है कि उसकी लगभग हाफ प्रोफेसी थी वो फुलफिल हो रही थी, पूरी होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इन द बैटल मैकबेथ फाइट्स वायलेंटली। मैकबेथ बड़ा बहादुरी से लड़ा, हिंसक रूप से, बट द इंग्लिश फोर्सेस ग्रेजुअली ओवरवेलम हिज आर्मी एंड कास्टल। उसकी आर्मी और कास्टल पे पूरा धीरे धीरे करके उन्होंने कब्जा कर लिया, ओवर पावर कर लिया, ओवरवेल मीन्स ओवर पावर कर लिया इंग्लिश फोर्सेज ने। ऑन द बैटल फील्ड मैकबेथ इनकाउंटर्स द वेंजफुल मैकडफ। वेंजफुल मतलब कि जो बदला लेने की इरादे से आया था ना, उस मैकडफ से उसका सामना होता है, इनकाउंटर होता है। हु डिक्लेयर्स, जो कि मैकडफ जो डिक्लेयर करता है वहां पे, दैट ही वॉज नॉट ऑफ वुमेन बोर्न। वो कहता है कि मैं किसी महिला से पैदा नहीं हूं, बट वॉज इंस्टीड अनटाइमली रिप्ड, जिसको कि जैसे विस्फोट हो गया हो, बीच में से बाहर आ गया हो, इस प्रकार जैसे फ्रॉम हिज मदर्स वॉम, क्योंकि वो अपनी माँ की कोख से पहले बार हो गया था। इसको आजकल हम सिजेरियन बोलते हैं। वट वी नो कॉल बर्थ बाय सिजेरियन सेक्शन, तो वो सिजेरियन था, मतलब नेचुरल उसकी बर्थ नहीं हुई थी एक वुमेन से। दो ही रियलाइज दैट ही इज डूम्ड, यद्यपि मैकबेथ को ये पूरा यकीन हो गया था कि उसका अंत होना ही। अब मैकबेथ कंटिन्यूज टू फाइट अंटिल मैकडफ किल्स एंड बी हेड्स हिम। वो तब तक लड़ता है जब तक मैकडफ उसको मार नहीं देता और उसका सर धड़ से अलग नहीं करता, बी हेड मतलब उसका हेड नहीं काट देता। मेलकॉल्म्स, मेलकॉल्म्स नाउ द किंग ऑफ स्कॉटलैंड। मेलकॉल्म को, जो कि डंकन का सन था, उसको किंग बना देते हैं। डिक्लेयर्स इज बेनवोलेंट, मतलब अपने परोपकारी इंटेंशन से बताता है वो इरादे, फॉर द कंट्री एंड इनवाइट्स ऑल टू सी हिम क्राउंड। अपने राज्य अभिषेक करते हुए देखें, और कंट्री के लिए वो अपने अच्छे इरादे की घोषणा करते हैं। तो स्टूडेंट, ये था फ्रेंड्स आज का ये वीडियो था, उम्मीद है आपको बहुत पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक्स फॉर